गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टॉपिक चैप्टर नंबर 11 एंड इन्वायरमेंटल क्विज। आज हम इन्वायरमेंटल क्विज के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल मीन्स क्या होता है, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, उसमें जो एक क्विज है कि किसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग के जैसे दिया है, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया है, तो आपको इससे मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, द स्फीयर ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर ऑन अर्थ, द लिथोस्फीयर लैंड सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। देखिए, बायोस्फीयर मीन्स होता है जिस एक ऐसा स्फीयर जिस पे लाइफ हमारी क्या है एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व अभी भी है, जो इंटरसेक्शन होता है किसका, हाइड्रोस्फीयर जो आपकी पृथ्वी पर किस पर है, पानी पर, उसके साथ लिथोस्फीयर जो आपकी लैंड यानी भूमि की सतह है उस पर, और एक क्या है आपके वातावरण में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपका, पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स क्या होता है, सेकंड देखिए, पैरासाइट मीन्स क्या होता है, द प्लांट एंड एनिमल, जो पौधे और जानवर हैं, दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर प्लांट और एनिमल, जो न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं वो भी दूसरे प्लांट और एनिमल से, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। थर्ड क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री, यानी सबसे बड़े स्केल में जो पेड़ आपके कटते हैं, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल एरिया के पेड़ होते हैं उनमें, सो दैट दे कैन नॉट री ग्रो, जो एक बार कटने पर वो फिर से बढ़ नहीं पाते हैं, तो दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो वो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। फिर सॉइल इरोशन मीन्स क्या होता है, द वियरिंग अवे ऑफ सॉइल अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स सच एज रनिंग वाटर, विंड्स, वेव्स एंड ग्लेशियर्स, जो हमारे सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसके अंडर में जो आपके नेचुरल एजेंट्स होते हैं, जैसे पानी का दौड़ना, ठीक है, या तैरना भी बोल सकते हैं, और जो आपकी हवाएं होती हैं, जो वेव्स होती हैं, जो ग्लेशियर होती हैं, वो सबका आपका मिश्रण है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके नेचर से हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सॉइल इरेशन। फिर फाइव है आपका क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, द वैरायटी ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड इन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इकोसिस्टम, सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल की एक वैरायटी है जो आपके पाए जाते हैं जियोग्राफिकल एरिया और इकोसिस्टम के जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। सिक्स क्या है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द वार्मिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो आपका वार्मिंग होता है, एटमॉस्फेयर का जो ठंड मौसम होता है, ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन हीट, जो आपकी क्या होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है उससे, उसके द्वारा जो क्या करती है, ट्रैप करके जो हीट होती है, मतलब जो गर्म हो जाती है, बाय द ग्रीन हाउस गैस, तो किसके द्वारा होता है वो, ग्रीन हाउस गैस के द्वारा। उसमें क्या क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ईटीसी। सेवन क्या आपका, फूड पिरामिड। फूड पिरामिड्स क्या है, अ फिगर ऑफ दैट डिस्क्राइब दैट क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द एनोदर टाउन एनोदर टू द अदर। ठीक है, एक ऐसा आपका मटेरियल का क्वालिटीज है जो आपका एक ट्रॉपिक लेवल से अदर ट्रॉपिक लेवल पर डिस्क्राइब, मैंने उसकी फिगर को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है, वो आपकी क्या कहलाती है, फूड पिरामिड। फिर एक्सटिंक्शन में जिसका अस्तित्व हो, वो आपकी, जैसे एक्सटिंक्शन क्या है आपका, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्लांट और एनिमल स्पाइसी फ्रॉम द अर्थ, जो पृथ्वी से एक पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया है या दिखाई नहीं देने वाला एनिमल और प्लांट्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन, विलुप्त, इसका मतलब क्या होता है, विलुप्त। फिर बैंथस क्या है, बैंथस एनिमल और प्लांट विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी और लेक, आपके जानवर और पौधे जो कहाँ रहते हैं, पृथ्वी समुद्र के और लेक के एकदम निचली सतह पर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंथस कहते हैं।
ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले बायोस्फीयर क्या होता है उसको एक डिफिनेशन के जैसे आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।